हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड में आईफोन इमोजीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगी एक एप्लीकेशन जिसका नाम है आईफॉन्ट। वो आपको बआसानी गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो फ़ाइल कुछ इस तरह की दिखती है, मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वो आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी और इस तरह की वो फ़ाइल होगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपने ये आईफॉन्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसे एक मरतबा लाजमी आपने खोलना है ताकि आपके जो है वो फाइल आ जाए आईफॉन्ट के नाम से। तो ये रही वो आईफॉन्ट की जो है फाइल। आपने क्या करना है कि सिंपली आपने जाना है उस फाइल को जिसको आपने डाउनलोड किया, उसे मूव करना है उस आईफॉन्ट की फाइल में। यहाँ से हम मूव कर देते हैं उसे और आईफॉन्ट के उस फोल्डर में जाते हैं और कस्टम फोल्डर में जाकर हमने यहाँ पर इसे मूव कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमने आईफॉन्ट की वो एप्लीकेशन खोलनी है। उस एप्लीकेशन को खोलने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। तो थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है MY करके, माय, आपने उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है माय फॉन्ट, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ वो हमें फ़ाइल दिखा रहा है जो हमने डाउनलोड की थी एप्पल इमोजी की, हमने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पाँच साइज़ हमें दिखा रहा है, तो हमने एक साइज़ सेलेक्ट करके और सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ हमें सेटिंग फॉन्ट कह रहा है, तो हमने यहाँ पे सिंपली जो है ओके पर क्लिक कर देना है। जब तक ये लोड हो हम वेट करते हैं थोड़ा। तो गाइज ये यहाँ पर लोड हो चुका है और उसके बाद ये हमें एप्पल इमोजी की फाइल जो है वो इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, तो हमने सिंपली जो है इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इस ऐप को जो है इंस्टॉल होने देना है। इंस्टॉल होने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ लोडिंग हो रही है दोबारा फॉन्ट लिस्ट की, तो यहाँ लोडिंग हो चुकी है। हमने क्या करना है, सिंपली जो है एप्पल इमोजी जो है वो फाइल सेलेक्ट करके और हमने जो है यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे एंड्रॉयड के जो है वो फॉन्ट्स भी थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं। तो हम कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहां हमारा कीबोर्ड खुल सके, कलर नोट में हम आएँ और यहां चेक करते हैं कि क्या हमारे एंड्रॉयड में आईफोन इमोजीज इंस्टॉल हो चुके हैं। तो फाइनली गाइस हमारे एंड्रॉयड में जो है आईफोन इमोजीज इंस्टॉल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सैमसंग के इमोजीज से भी डिफरेंट है, एंड्रॉयड के इमोजीज में से भी डिफरेंट है। तो गाइस इसी तरह होता है, अपने एंड्रॉयड में आईफोन इमोजीज इंस्टॉल होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।